प्रसाद जी, चुनावी बिगुल लोकसभा का बच चुका है, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, उत्तराखंड क्रांति दल का जो मैनिफेस्टो है, सर्वप्रथम मूल निवास 1950 हमारा लागू होना चाहिए, हिमाचल की तर्ज पर वो कानून यहाँ पे लागू होना चाहिए, स्थायी राजधानी का मसला और बेरोजगारों की जो समस्याएं, तमाम हमारे 5-7 जो प्रमुख मुद्दे हैं। इसके अलावा जो हमारे हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न जगहों पर हमारे जो मुद्दे हैं, क्षेत्र में मातृशक्ति के लिए सशक्त कानून होना चाहिए, और जो हमारे जो फैक्ट्रियां जो वहाँ पर चल रही है, इन फैक्ट्रियों में जो है जो मातृशक्ति काम वर्कर हैं, काम कर्मचारी हैं, उनके लिए कंपनियों के द्वारा जो है आने जाने की पूरी सुविधा दी जानी चाहिए, ताकि मातृशक्ति को जो है पूर्ण रूप से सुरक्षा मिल सके, और मातृशक्ति के लिए सुरक्षा कानून जो है, इसके लिए जो हम संसद में इसको उठाएंगे, ताकि उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से राष्ट्रीय दलों के लोगों ने यहाँ पर मातृशक्ति उनके साथ जो अन्यायपूर्ण रवैया हुआ है, ये पूरे प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा शर्मसार करने वाले कारनामे यहाँ उत्तराखंड में हुए हैं। आज उत्तराखंड क्रांति दल को 43 साल बने हुए हो चुके हैं, और इस तरह के जो कारनामे हैं, ये विगत 3-4 वर्षों से सर्वाधिक देखे गए, तो इनके लिए ऐसे ज्वलंत जो मुद्दे हैं, इनके लिए आज जनता त्रस्त है, परेशान है, और इन सभी मुद्दों को लेकर हम जनता के दरबार में जाएंगे, और निश्चित तौर पर जनता जो है उत्तराखंड क्रांति दल को अपना अमूल्य मत देकर आशीर्वाद देंगी, और उत्तराखंड क्रांति दल इस बार 3 लोकसभा सीटों से लड़ रहे हैं और विजय जनता का आशीर्वाद पाएंगे।